हमारे स्टूडियो में आज तीन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैं तीनों एक्सपर्ट्स का वेलकम करती हूं अपने स्टूडियो में। डॉक्टर विजय राय, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, राव तुलाराम हॉस्पिटल, जाफरपुर, नई दिल्ली से। नमस्कार डॉक्टर सर। नमस्कार। डॉक्टर नागेंद्र, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन, राव तुलाराम हॉस्पिटल, जाफरपुर। नमस्कार डॉक्टर सर। सिस्टर राजवंती, स्टाफ नर्स, राव तुलाराम हॉस्पिटल। आगे हम चलते हैं कि इंसुलिन के बारे में जानना क्यों जरूरी है और इंसुलिन क्यों जरूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए। मैं जस्ट ब्रीफ में चाहूंगी कि डॉक्टर राय हमें बताएं। देखिए, इंसुलिन के बारे में इतनी हमने रिसर्च की है और इतनी उसमें डेवलपमेंट हुई है और इतने तरह के इंसुलिन मौजूद हैं हमारे पास कि जिसको हम मरीज की नीड या उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको चूज करते हैं कि उसको कैसी दवा दी जाए। ज़्यादातर जो इंसुलिन है वो तीन कैटेगरी में बांटे जाते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, मीडियम एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। इसके बारे में सिर्फ ये आपको जागरूक करने के लिए है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में फैसला जो है डॉक्टर ही करेंगे। जी, वो डॉक्टर तय करेगा। आपको खाली ये पता होना चाहिए कि ऐसी सुविधा मौजूद है कि मरीज को उसकी नीड के मुताबिक बेहतर इंसुलिन जो है दिया जा सकता है। और आप देख रहे हैं कि कई जो इंसुलिन है उनकी एक इंजेक्शन देने के बाद उसका असर 18 घंटे से 28 घंटे तक रहता है। इसका मतलब कि उन इंजेक्शन को सिर्फ दिन में एक बार अगर दे दें तो भी हमारा काम चल सकता है। और ये तरह तरह के इंसुलिन हैं जो कि जिससे कि उनको एलर्जी ना हो, सेंसिटिविटी ना हो, तो इसके बारे में आप लोगों को सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि ये अवेलेबल हैं, इनके बारे में डॉक्टर इन्हीं में से चूज करके आपको बेस्ट इंसुलिन आपको बताएगा। अब डॉक्टर नागेंद्र से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इंसुलिन इंजेक्शन के विषय में थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट को बताएं, उसके बाद फिर उसका प्रोसीजर बताएं कि इंसुलिन इंजेक्शन कैसे दिया जाता है। ये इंसुलिन पेन है, ये मार्केट में अवेलेबल है। इसमें ऊपर जो ये वाला जो पोर्शन है, इसमें इसके इधर रीडिंग्स हैं कुछ, ये रीडिंग्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर से घुमाने के बाद। आप ऊपर से घुमा के रीडिंग एडजस्ट कर लीजिए, जितनी रीडिंग डॉक्टर ने लिखी है उतनी रीडिंग यहाँ पर आ जाएगी, उसके हिसाब से इसको खोलिए। आगे नीडल है, ये इंसुलिन का पूरा वायल है। आप जैसे ही आप, मैं प्रोसीजर बताऊँगा किस तरह से यूज़ करना है, उसको प्रिक करके ऊपर से इसको प्रेस कर दीजिए, उतनी इंसुलिन पेशेंट को डिलीवर हो जाएगी। ये बहुत एक्यूरेट डिलीवरी करती है और ये आजकल बहुत ही पेनलेस है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ये 900 से 1000 रुपये के आसपास की रेंज में आता है। जी, तो यानी कि टेक्नोलॉजी ने इसमें सुधार किया है। हाँ। और इसकी वजह से आपको खाली एक बार रीडिंग अगर आप सेट कर दें इसके अंदर तो उतनी इंसुलिन की डिलीवरी ये मशीन अपने आप करेगी। खासतौर से जो बड़े बुजुर्ग हमारे हैं जिन्हें आँख से ठीक से नहीं दिखता है या जिनके हाथ कांपते हैं या जिन्हें कोई तकलीफ होती है, उनके लिए ये ज़्यादा मैं समझता हूँ काम की चीज़ है। और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं 500-1000 रुपये तो ये ज़रूर जो है ये इस्तेमाल के लायक अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें बार बार ध्यान रहे कि इसमें लगने वाला जो इंसुलिन है जो भरा हुआ है उसको आपको बार बार बदलवाना पड़ता है। उसके लिए कंपनी का ही आदमी आकर के आपको डिलीवर करता है, तो वो सुविधाएं ऐसी जगह पे बदलवाना पड़ता है डॉक्टर साहब कुछ। ये डिपेंड करेगा कि आपकी डोज कितनी है उसके। जिस आदमी की डोज कम होगी उसका वो इंसुलिन का जो है वायल ज़्यादा चलेगी, और जो अगर ज्यादा इस्तेमाल करता है वो उसको फ्रीक्वेंटली लेना पड़ेगा। इसका मतलब वो ट्रेवल जैसे कर रहा है अगर एक दो दिन के लिए तब भी उसके लिए बहुत सुविधाजनक है ये कि वो ट्रेवल करते टाइम भी इसको लेके जा सकता है साथ में। इंसुलिन पेन हर तरीके से आपको सुविधा देता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक साथ एक जगह मौजूद है, मेजर करने में दिक्कत नहीं है, डिलीवरी जो है इंसुलिन की बड़ी एक्यूरेट है, इसमें सुविधाएं बहुत सारी हैं। इसलिए अगर अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है तो इसको आदमी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग के जरिए अगर आप सही ट्रेनिंग करते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद इसी के बराबर के रिजल्ट आप इंसुलिन सिरिंज से भी ले सकते हैं। वो मेथड एक बार सीखना जरूरी है, लेकिन अगर आप सीख जाते हैं जी तो आपकी एक्यूरेसी में और इंसुलिन पेन के बीच में कोई फर्क नहीं बचेगा। जी, मैं डॉक्टर नागेंद्र से अब रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें आगे बताएं कि इंसुलिन इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले मैं स्किन के स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा जो कि मैं एक स्लाइड के ऊपर फोकस आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्किन के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि लेयर्स हैं। सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, नीचे डर्मिस है और सबसे नीचे सबक्यूटेनियस फैट है। हमारा टारगेट होता है इंसुलिन देने में कि हमें सबक्यूटेनियस फैट तक जाना है। सबक्यूटेनियस फैट पे जाने का टारगेट मेनली पर्पज़ ये होता है क्योंकि यहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है, तो स्लो एब्जॉर्प्शन की वजह से जो एक्शन होता है इंसुलिन का वो सस्टेन होता है और कंटिन्यूस होता है। आप अब मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सी जगह पर आप इंसुलिन
इंजेक्शन नॉर्मली लगाए जाते हैं। आप देखें एम्ब्लाइकस के चारों तरफ एब्डोमन में राइट और लेफ्ट थाई पे एंटीरियर एस्पेक्ट और पोस्टीरियर एस्पेक्ट एंड लेटरल एस्पेक्ट, और अपर आर्म्स में एंटीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर पोर्शन। तो इसे हम आम अगर आम भाषा में कहें तो आप देखिए कि जो आपको अपनी स्क्रीन पर आपको अपने बाईं तरफ जो आपको फोटो दिखाई पड़ रही है, बीच में जो बिंदु है वो एम्ब्लाइकस या नाभि है, तो नाभि के आसपास का एरिया अगर कुछ सेंटीमीटर का हिस्सा छोड़ दें तो पूरे पेट में आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर हाथ से आपकी पहुँच भी आसान है। तो सबसे कॉमनली जो लोग प्रेफर करते हैं पेट में लगाना, ये ज़्यादातर मरीजों को ये जगह अच्छी लगती है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि आपके जांघ के बाहरी हिस्से की तरफ दो स्पॉट दिख रहे हैं नीले रंग के आपको, वहाँ भी आप लगा सकते हैं, वहाँ भी लगाना बहुत आसान है और ईजिली एक्सेसिबल है। इसी प्रकार से आपके जो कंधे हैं, बाह का ऊपरी बाहरी हिस्सा आप ले सकते हैं, बाईं तरफ लगाना है तो दाहिने हाथ का इस्तेमाल करें, और अगर दाहिनी तरफ लगाना है तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करें। ये साइट्स हैं जो कॉमनली दी जाती हैं, सेफ हैं, इनके अंदर लगाने से किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं होती है, और बार बार एक ही जगह मत लगाइए जी, हमेशा इंसुलिन जो है जगह बदल बदल के लगाइए, उसे रोटेशन ऑफ साइट कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, जी, जैसे कि अगर आपने एक जगह आज अगर आपने मान लिया कि अपने पेट में एक तरफ लगाया, तो उसमें भी आप चूज कर सकते हैं कि आप अगली बार उसे एक सेंटीमीटर या दो सेंटीमीटर छोड़ करके आगे लगाएं, सर्कल में चलें, बीच से शुरू करके सर्कल को बाहर की तरफ लेते चले जाएं, या आज पेट में लगाया दूसरी तरफ अगली बार आप बाँह में लगाएं या फिर जांघ में लगाएं, ऐसे करके रोटेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई नियम इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको कैसे करना है, इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को याद रहे कि मैंने पिछली बार कहाँ लगाया था, अगली बार कहाँ लगाना है। इसका कोई डिसएडवांटेज होता है या एडवांटेज है रोटेशन करने का, मैं ज़्यादा ये पूछना चाहूँगी। जी, असल में एक ही जगह अगर आप बार बार इंजेक्शन लगाते हैं तो धीरे धीरे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वहाँ पर धीरे धीरे वहाँ थोड़ा फाइब्रोसिस होने लग जाता है, वहाँ पर जो फैट सेल्स हैं वो धीरे धीरे नेक्रोज होने लग जाते हैं, जिससे कि इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन वहाँ से इरेटिक या इरेगुलर होने लग जाती है, धीमी हो जाती है जी। और पेशेंट को लगेगा कि इंसुलिन का मेरा असर कम होता चला जा रहा है, इसलिए वो एक जगह न लगाए जी, जगह बदल बदल के लगाए, जिससे कि अगली बार जब उस जगह का नंबर आए तब तक हीलिंग हो चुकी हो और उसे आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि हमारे स्टूडेंट को, हर पेशेंट को ये समझाना बहुत ही जरूरी है जी, इसका मकसद क्या है और क्यों चेंज करना जरूरी है, आवश्यक। तो डॉक्टर नागेंद्र, आगे हम बढ़ते हैं आपके साथ। आपको पेशेंट को जो जैसे राइट थाई है उसको 8 क्वाड्रेंट में आप डिवाइड कर लीजिए, हर बार जो 8 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, हर बार अलग हिस्से में लगाना है आपको, जैसे राइट थाई के सारे हिस्से जब खत्म हो जाए उसके बाद राइट आर्म पे आ जाइए, इस तरह से आपको रोटेशन लेनी है उसकी। अगर आप ये रोटेशन नहीं लेंगे, इसको रोटेशन पॉलिसी कहते हैं, अगर आप ये रोटेशन नहीं लेंगे तो पेशेंट को जैसे डॉक्टर विजय राय ने बताया कि उसकी वजह से लाइपोडिस्ट्रॉफी या लाइपो हाइपरट्रॉफी, ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं और उसकी वजह से नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और पेशेंट की एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन इट्स नॉट रेगुलर, मतलब नॉट प्रॉपर, तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज कंट्रोल लेवल है वो उतना अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता। अलग अलग तरीके की इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल है, इनके कलर्स, कैप के जो कलर्स हैं वो अलग अलग हैं, सबके कैप के कलर अलग अलग हैं, ये अलग अलग कैप के कलर अलग अलग, जैसे ये इंसुलिन रेगुलर है जो कि फास्ट एक्टिंग होती है, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, बहुत कॉमनली यूज होती है। ये मिक्सटार्ड है, ये भी बहुत कॉमनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये दो कलर ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं, येलो एंड दिस कलर। मैं प्रोसीजर दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आप कभी भी इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यूज़ करेंगे तो कभी भी इसको शेक नहीं करिए, इसका कलर आप देखिए, इसका कलर हमेशा क्लाउडी होता है, ब्लू क्लियर नहीं है, वो किसी भी इंसुलिन का नॉर्मली क्लाउडी कलर ही होता है। आप जब इसको इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग को कभी भी यूज़ करेंगे उससे पहले इसको रोल कर लीजिए इस तरह से, अपने दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथों के बीच में रोल करिए जिससे कि मिक्स हो जाए। अगर आप इसको इस तरह से जोर से हिला के मिक्स करेंगे तो इसमें क्लैंप्स बन जाएंगे और ये यूज करने लायक नहीं रहेगी। यानी कि एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन है कि हमें उसको रोल करना है, ना कि हमें मिक्स करना है उसको हिला के। हाँ जी, अब मैं आपको बताऊं कि किस तरह से इंसुलिन को यूज करना है। सबसे पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन चेक करनी है, डॉक्टर ने कितना इंसुलिन लिखा हुआ है देने के लिए, आपने प्रिस्क्रिप्शन चेक कर ली, उसके बाद आप सबसे पहले इसमें
इनमें एक्सपायरी लिखी होती है, कितनी एक्सपायरी है, और दोनों की यूनिट्स चेक कर लीजिए। जैसे इसका 40 यूनिट्स है, तो ऐसे ही आपकी जो सिरिंज होगी उसको भी 40 यूनिट्स वाली आपको सिरिंज यूज करनी है उसके लिए। उसके बाद आप सबसे पहले कैप को हटाएंगे, और कैप को हटाते टाइम ध्यान रखना है कि आपकी उंगली में सुई ना चुभ जाए। उससे क्या होगा, एक तो आपको इंजरी होगी और अनस्टराइल हो जाएगी जो निडल है। इंसुलिन वायल के ऊपर के हिस्से को स्पीड से क्लियर करना है। उसके बाद आप इसको टर्न कर लीजिए, जितना आपको इंसुलिन चाहिए उतनी एयर आप इंसुलिन सिरिंज के अंदर ले लेंगे। आपने एयर ले ली, उसको इसके अंदर इंसुलिन वायल के अंदर पुश कर दीजिए उतनी एयर, जिससे इसके अंदर एक एयर प्रेशर बन जाता है और आपको इजी हो जाता है उसको लेना वापस सक करना। डॉक्टर नागेंद्र, सिंपली ये बताएं, जैसे आपने कहा था कि 12 यूनिट लेनी है, हाँ जी, तो सिरिंज में ऐसे बड़े सारी मार्किंग है, हाँ जी, तो उसको भी जरा एक्सप्लेन करें कि 12 यूनिट इस 1 ml की सिरिंज में से कैसे निकाले जाए। जैसे कि आप ये देखिए, इसमें पूरा 1 ml है टोटल, लास्ट में आप पहले 12 ml विड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें 1 ml है और एक इसमें जैसे ये यूनिट है 0.1 इज इक्वल टू 4 यूनिट ऑफ इंसुलिन, तो उसी हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको 3 चाहिए तो आप 3 तक 0.3 तक जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 40 यूनिट अगर 1 ml में है, 1 ml में है, ठीक है, तो 0.1 ml के अंदर 4 यूनिट होगा, हाँ जी, है ना, हाँ जी। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप ये कहे कि आधा, अगर 40 का आधा यानी कि 0.5 ml का मतलब है उसमें आपको 20 यूनिट मिली, हाँ जी, है ना। तो जैसे भी आप आम हिसाब लगाते हैं, हाँ, 4 के हिसाब से आप कैलकुलेट करके उसी हिसाब से जितना है उतना आप लोड कर लीजिए। जितना आपने लोड कर लिया उसके बाद किस तरह से इंसुलिन देना है उसके लिए मैं आपको एक फोटो। पहले मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, वो लेवल कहां से देखेगा, जो प्लंजर है हमारा ऊपर के हिस्से, हाँ, का, हाँ, या नीचे के हिस्से का, वो एक आप जरूर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस प्लंजर को, जो आप इंसुलिन, जैसे अगर लिखा हुआ है कि 8 यूनिट देना है, तो जो प्लंजर है ये इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये 0.2 के ऊपर होना चाहिए, यानी कि ऊपर के हिस्से से उनको ऊपर के हिस्से से चेक करना है, कभी भी नीचे के हिस्से से चेक नहीं करना है, हमेशा प्लंजर के ऊपर का जो हिस्सा है उससे चेक करना है आपको। यानी कि प्लंजर का वो हिस्सा जो इंसुलिन को टच कर रहा है, इंसुलिन को टच कर रहा है, उसको मेजर करना है, उसके पीछे वाले को नहीं करना है। नहीं, इस तरह से आप थंब और फिंगर से आप होल्ड कर लीजिए स्किन को, हमेशा सबकुटेनियस देना है। सबकुटेनियस देने के लिए थंब और फिंगर से होल्ड कर लीजिए, जिससे एक फोल्ड बन जाएगा। उसके बाद आप अपनी सिरिंज और नीडल को लीजिए और हमेशा या तो 45 डिग्री या 90 डिग्री दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्लाइड है इसमें आपको पता लग रहा है कि कैसे 90 डिग्री पे अगर आप नीडल को रखते हैं तो वो किस तरह से होगी, और 45 डिग्री के लेवल पे, दोनों लेवल पे आपको सबकुटेनियस फैट तक पहुंचना है। मेनली कॉमनली एब्डोमेन यूज़ करते हैं, जहां पर आराम से बहुत फैटी लेयर बहुत होती है, उसमें बहुत आराम से आप लगा पाएंगे और वहां से एब्जॉर्प्शन भी बहुत फास्ट होती है। ये इंसुलिन पेन को यूज कर रहे हैं, किस तरह से आपको होल्ड करना है स्किन को, स्किन का एक फोल्ड बना लिया आपने, या आराम से फोल्ड बन गया, आपने इंसुलिन का पेन अंदर प्रिक किया और उससे आपने पीछे से पुश किया और उसको 5 सेकंड तक रोकना है, उसके बाद ये डिलीवर हो जाती है इंसुलिन। अब डॉक्टर नागेंद्र, और कुछ आप डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहेंगे कि उसके बाद इंजेक्शन दे दिया एक बार, तो उसको सिरिंज और निडल का क्या करें, क्या वो फिर से यूज कर सकते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा? नहीं, सिरिंज को आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसके लिए सॉल्यूशंस आते हैं, उनके अंदर डिप करके उसको डिस्ट्रॉय होगा। घर में ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या हम उसमें भी कर सकते हैं डॉक्टर राय? जी, घर में बिल्कुल, सोडियम हाइपोक्लोराइट आइडियल सॉल्यूशन होता है जी, लेकिन अगर इसकी ये नहीं अवेलेबल है इजीली, तो ब्लीचिंग पाउडर घर में आसानी से अवेलेबल है और उसका एक सॉल्यूशन बना के आप यूज कर सकते हैं, या सिरिंज को दोबारा यूज ना करने पाए इसके लिए बेहतर है कि उसकी जो टिप है उसको काट दें, कैंची से आसानी से कट जाती है जी। और बच्चों के ऐसी जगह बिल्कुल ना फेंके जहां बच्चे खेले हैं उसको, या बच्चे इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है कि सिरिंज या नीडल ये किसी भी हालत में, क्योंकि ये खतरनाक है, इनका गलत इस्तेमाल ना होने पाए। और कूड़े के में कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग कभी कभी उठा करके ले जाते हैं, कबाड़ी उसको बेचने लग जाते हैं, ये सब चीजों में बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका रीयूज होने के बहुत चांसेस होते हैं और उससे इन्फेक्शन रेट बहुत जल्दी बढ़ती है। कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए इंसुलिन देते टाइम? डॉक्टर नागेंद्र, सबसे पहले तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि इसको आपको हमेशा फ्रिज के अंदर रखना है इंसुलिन को, आप इसको फ्रीजर में भी नहीं रखें, जिससे कि ये अगर ये एक बार जम गई तो ये खराब ही हो जाएगी। और अगर आप ज्यादा कोल्ड में रखेंगे और उसके बाद इंसुलिन किसी को लोड करेंगे तो वो पेनफुल होता है बहुत सी बार।
अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इस पूरे प्रोसीजर में आपको ध्यान रखना है कि देने से पहले इंसुलिन इंजेक्शन को आपको रूम टेम्परेचर में रख देना है, हमेशा उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है। जब भी आप इंसुलिन लोड करेंगे उसके बाद जो एयर बबल है उसको निकाल देना है, जिससे कि आप प्लेन इंसुलिन को यूज करेंगे एयर बबल आप शुरू में ही निकाल देंगे। उसका कोई डिसएडवांटेज होता है कि अगर एयर बबल चला जाए तो साथ में? एयर बबल अगर वेन के अंदर चला जाता है तो वो उसके कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एयर एम्बोलिज्म कर देते हैं। अगर वैसे अगर आप एयर ले लेंगे तो आपकी जो डोज है वो कैलकुलेट करने में वो भी गलती कैलकुलेट होगी। आपने एयर बबल रिमूव कर दिया, पेशेंट को पूरी अच्छे से समझा देना है पूरा प्रोसीजर कि इस पर ये पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई पेन नहीं होता है और ये बहुत जल्द आराम से और बहुत इजीली हो जाता है जी। उसके बाद पेशेंट को बोल दीजिए कि वो रिलैक्स कर ले, अगर आप बता देंगे तो आप उसकी मसल्स रिलैक्स रहेंगे तो आप जब प्रिक करेंगे तो उसको पेन होगा बहुत कम पेन होगा और उसको बहुत आसानी से वो टेस्ट हो जाएगा। हमेशा जब भी इंसुलिन देंगे आप उसकी डायरेक्शन का ध्यान रखिए, जो हमने बताया वो डायरेक्शन रखिए 45 या 90 डिग्री, यानी कि एंगल जो हमारा निडल का है, निडल का जो एंगल है वो चेंज नहीं करिए। आप अंदर जाके कहीं चेंज करेंगे तो हो सकता है कि आपकी निडल टूट जाए, यानी कि देते टाइम बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जो निडल और सिरिंज के साथ हमने बताया पहले, वो ध्यान रखिए। अब जब रिकैप नहीं करिए, कोशिश करिए उसको रिकैप ना करें, और हमेशा साइट चेंज करते रहिए, जो साइट्स बताई हैं जिस तरह से हमने रोटेशन पॉलिसी बताई है उस तरह से रोटेशन करिए। इंसुलिन वाले जो पेशेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको ये बताना है कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया क्योंकि इंसुलिन इंजेक्शन लेने के बाद कभी कभी पेशेंट क्या करता है कि वो खाना नहीं खाता है, उसकी वजह से उसको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि घबराना, पसीने आना, चक्कर आना। अगर ये सब आप पहले से समझा दीजिए उसको कि ये सब हो तो वो चीनी का घोल बना के और उसको ले लें, क्योंकि हाइपर शुगर अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है, अगर कम है तो बहुत कॉम्प्लिकेशन की प्रॉब्लम। डॉक्टर राय, क्या आप और कोई प्रिकॉशन ऐड करना चाहेंगे इससे पहले कि हम दूसरे प्रोसीजर पे जाएं? मैं प्रिकॉशन के बजाय मैं एक कमेंट करना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ 5 मिनट की बात सुन के हो सकता है कि व्यूअर्स को ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा बिगड़ काम है, क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन करने की नीयत से बता रहे हैं, क्योंकि हम इसे विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, इसलिए ऐसा लोगों को महसूस हो सकता है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, हमारे डायबिटीज़ क्लिनिक में जो मरीज आते हैं, गांव के दूर दराज के बच्चे, अनपढ़ गंवार लोग, जिन्हें कि आदमी कह सकता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो लोग आज इंसुलिन को अपने आप खुद दे रहे हैं। आवश्यकता सिर्फ ये है कि इसे कोई आदमी सिर्फ देखा देखी ना इस्तेमाल करे, इंसुलिन लगाने से पहले डॉक्टर की निगरानी में, नर्स की निगरानी के अंदर वो एक बार अच्छे से सीखें, अपने मन में आने वाले सारे सवालों के सारे जवाब पूछ लें। टेक्निक शुरू शुरू में किसी की मदद से लगाएं, जब डॉक्टर या नर्स लगाए तो उसको अच्छे से देखें, और कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद जब वो इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी किस्म की कोई समस्या आने की संभावना नहीं है। हाँ, जैसा किसी भी दवाई के साथ है कि दवा को संभाल के रखना ज़रूरी है, इसके लिए फ्रिज में रखना ज़रूरी है, और फ्रिज के साथ आप जब उसको इस्तेमाल करें तो दवा की खुराक मेजर करनी जरूरी है। वो जो डॉक्टर साहब ने जो प्रिकॉशन बताई है, मैं समझता हूँ दे आर मोर देन एनफ। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडेंट्स को ये पूरा विस्तार से जिस तरह से आपने प्रोसीजर बताया स्टेप बाय स्टेप्स, आशा करती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स ने पूरा प्रोसीजर बहुत ध्यान से देखा होगा और उनको समझ आ गया होगा कि इसको सही तरीके से कैसे लगाना है और कौन से पॉइंट्स अपने मन में रखने हैं उसको लगाते टाइम और पेशेंट को समझाते टाइम। अब हम आते हैं बहुत ही अहम प्रोसीजर पर, ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, इवन डायबिटिक पेशेंट का भी चेक किया जाता है। तो डॉक्टर राय से मैं ये पूछना चाहूँगी कि डायबिटिक पेशेंट को ब्लड प्रेशर चेक करवाना क्यों ज़रूरी है? ये बहुत आपने एक ज्वलंत मुद्दे के ऊपर आपने बात कही है। अक्सर हम डायबिटीज़ में सारा का सारा ध्यान शुगर की तरफ लगाने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि डायबिटीज़ का मतलब है कि शुगर बढ़ गई है, इसे घटाना ही हमारा मुख्य ध्येय है। हम ये भूल जाते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है, खासतौर से हाई ब्लड प्रेशर की एसोसिएशन डायबिटीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा है, और इसे अगर ध्यान ना रखा जाए, इसे अगर ना नापा जाए तो ये साइलेंट किलर का काम करता है। ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई डायबिटीज़ की कई समस्याएं ऐसी हैं जो कि आपके हार्ट पर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, इनफैक्ट शरीर के हर ऑर्गन की तरफ, इंक्लूडिंग किडनीज है,
उस पेरिफेरल नर्व्स हैं सबके ऊपर काम करती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना हर डायबिटिक के लिए आवश्यक है, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई है या नहीं ये जानने के लिए उसकी रेगुलर मेजरमेंट ज़रूरी है। तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट एक बहुत आसान तरीका है, अगर उसे सही तरीके से हमारा कम्युनिटी वर्कर अगर एक बार सीख ले तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा और मरीजों को बहुत से बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्या डॉक्टर साहब हमारा जो पेशेंट है वो इसको घर में भी कर सकते हैं? क्योंकि आमतौर पे देखा गया है पेशेंट को ये होता है कि मुझे ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, मैं किसी हेल्थ सेंटर में चला जाऊँ, कहीं हॉस्पिटल चला जाऊँ, या वो ढूंढते हैं किस प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जाऊँ कि मेरा कोई ब्लड प्रेशर चेक कर दे। क्या सिर्फ ये हॉस्पिटल या क्लिनिक में ही हो सकता है या घर में भी चेक कर सकते हैं पेशेंट? देखिए आज हम जब इसकी चर्चा यहाँ सबके सामने कर रहे हैं तो ये यही बताने के लिए है कि ब्लड प्रेशर की जाँच घर में अगर की जाए तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। एक कि आप जब चाहे तब कर सकते हैं, दूसरा कि मरीज़ को सेल्फ सफिशिएंट करना, पेशेंट को हर चीज़ खुद कर सके, ये इंडिपेंडेंस उसको देने का ही एक हमारा प्रयोजन है। हाँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी ये सुविधा मौजूद है, अस्पतालों में भी सुविधा मौजूद है, आप वहाँ भी जाएँ, जब जब जाएँ वहाँ बीपी ज़रूर चेक कराएँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस पर निर्भर रहें। आपको चाहिए कि अपने घर में भी चेक करें और जब जब आप डॉक्टर के पास जाएं अपना चार्ट लेकर के जाएं, अपनी रीडिंग लेकर के जाएं और डॉक्टर से या नर्स से वहां पर चेक कराएं कि मैंने जो रीडिंग ली थी वो कितनी सही या कितनी गलत थी, जिससे कि हर बार आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाए। और ये पाया गया है कि ज़्यादातर मरीज जिनको ट्रेन कर दिया जाता है, अक्सर मैंने अपने अस्पताल में आने वाले मरीजों से पूछा है और पाया है कि पता चला कि सास को जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी है और बहू को है बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर लेना आता है। लड़का क्योंकि काम करता है घर में अवेलेबल नहीं है और बहू जो है वो ग्रेजुएट है, उसने सीख लिया और वो आसानी से बीपी ले रही है। इसका मतलब है कि ना कि सिर्फ पेशेंट को, उसके परिवार के सदस्य को भी ये सीखना बहुत जरूरी। बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर नागेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें इन शॉर्ट बताएं कि कौन से ब्लड प्रेशर के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, उसके पार्ट क्या होते हैं और उसका प्रोसीजर स्टेप्स बताएं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज़ 120 बाई 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब ये ब्लड प्रेशर बनता है क्यों, ये वो है कि जितना प्रेशर ब्लड आर्टरीज के ऊपर लगाता है वो ब्लड प्रेशर के रूप पे आप उसको नोट करते हैं। इसकी दो रीडिंग्स होती हैं, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक होता है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। उसको नापने का तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा आपको। तो ये बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ये मरकरी कॉलम है, इसके साथ रबर ट्यूब है। ये मरकरी कॉलम रबर ट्यूब के साथ अटैच होके ये कफ के साथ अटैच्ड है। ये इन्फ्लेशन बल्ब है, ये इसके पार्ट्स हैं जो कि बीपी इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स हैं। और इन्फ्लेशन बल्ब के साथ एक नॉब भी होती है। इन्फ्लेशन बल्ब के साथ ये वॉल्व है, ये वॉल्व आपको प्रेशर सेट करने के काम आती है कि कितना प्रेशर करना है, और आपको जब डिफ्लेट करना है तो इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में घुमाइए। जब पहले इससे कस लीजिए, अब आप प्रेशर देंगे तो इसमें एयर भर जाएगी, उसके बाद जब आपको डिफ्लेट करना है तो इसको आप धीरे धीरे स्लोली रिलीज करेंगे। ये स्टेथोस्कोप है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। ये जो पार्ट है ये ईयर प्लग कहलाता है, ये रबर ट्यूबिंग के साथ अटैच्ड है, ये चेस्ट पीस है, चेस्ट पीस और डायफ्राम कहते हैं इसको। अब हम बताएंगे किस तरह से आपको बीपी लेना है। सबसे पहले मैं एक बहुत अहम चीज़ है कि पेशेंट को एक्सप्लेन करना, कोई भी जब आप प्रोसीजर बताते हैं तो पेशेंट को ज़रूर एक्सप्लेन करिए और उसे कंफर्टेबल बनाइए ताकि, और पेशेंट एकदम जब चल के आता है मेरे ध्यान से डॉक्टर राय कि उसको एकदम बीपी नहीं लेना चाहिए उस टाइम पेशेंट का। हाँ बिल्कुल, जैसे ही जब बीपी ब्लड प्रेशर लेने की जब भी आप प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं तो अगर पेशेंट आप क्लिनिक में बैठे हैं और पेशेंट अगर आया है तो ये इंश्योर कीजिए कि पेशेंट कम से कम कुछ समय बैठ करके आराम से रेस्ट ले, उसका सांस नहीं फूल रहा होना चाहिए, वो बहुत जल्दबाजी में ना आया हो, घबराया हुआ ना हो, डरा हुआ ना हो, तो उसके कंफर्ट लेवल को देख करके, और अगर लगे डॉक्टर को या नर्स को कि वो अगर कंफर्टेबल नहीं है तो उसको आप मौका दीजिए कि वो आराम से कुर्सी पर बैठ के रिलैक्स करे, या कोई अगर आसपास अगर कोई बेड या कोई अगर ट्रॉली मौजूद है उस पर लिटा दीजिए उनको और कहिए कि आँख बंद करके आप 5 मिनट के लिए बैठिए, उसके बाद आप बीपी लेंगे तो वो बीपी की रीडिंग स्टैंडर्ड आएगी, नहीं तो ऊपर ज़्यादा भी हो, ऊपर नीचे हो सकती है। डॉक्टर नागेंद्र अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोसीजर। हाँ, सबसे पहले आपको प्रोसीजर, जो आपका पेशेंट है उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि क्या करने वाले हो आप उसके साथ और किस तरह से आप प्रोसीड करोगे। उसके बाद कफ लीजिए, कफ को नॉर्मली राइट हैंड को यूज़ करना है,
आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, इसका जो रबर ट्यूबिंग है बीच में, ये इसको हमेशा यहाँ ब्रेकियल आर्टरी होती है मीडियल साइड में, ब्रेकियल आर्टरी के बिल्कुल ऊपर, टू इंच ऊपर आप, यानी कि हमारी कोहनी जो है, कोहनी के अंदर हिस्से से ऊपर, बिल्कुल 2 इंच ऊपर आप इसको बांध लीजिए इसको, और ऐसे बांधने ताकि ढीला ना रहे, बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद आप इन्फ्लेशन बल्ब को टाइट कर लीजिए इसके वॉल को, और स्टेथोस्कोप को, ये जो ब्रेकियल आर्टरी है ये आप अगर इस जगह फील करेंगे कोहनी के ऊपर, बिल्कुल यहाँ आपको आराम से आपको पता लग जाएगा यहाँ उसकी पल्सेशन आ रही है। अब आप स्टेथोस्कोप को लगाइए, इसका जो ईयर पीस है उसको ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रखेंगे, उसके बाद वॉल से आप इसका प्रेशर बढ़ाइए, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे मर्करी लेवल ऊपर जाता जाएगा, आप देख सकते हैं इसके ऊपर 1 लेवल है। इसमें 1 लेवल ऐसा आएगा जब आपको यहाँ साउंड जो आप सुन रहे हैं साउंड ईयर पीस से, वो बिल्कुल सुनना बंद हो जाएगी, वो जो प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, आप जैसे ऊपर जाके और धीरे धीरे नीचे आएंगे, जैसे वो साउंड बंद हो जाएगी उसके बाद आप नीचे आने लगेंगे, नीचे आने के बाद जैसे ही साउंड स्टार्ट होगी वो सिस्टोलिक प्रेशर है, उसके बाद नीचे जाते जाइए साउंड पहले लाउड होते, शुरू में लाउड होती है, धीरे धीरे मफल होके स्टॉप हो जाती है, जहाँ पर स्टॉप हो जाती है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डॉक्टर राय कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये प्रक्रिया लोग समझ लें कि ब्लड प्रेशर नापना कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं है, हमारी आर्टरी में ऑलरेडी ब्लड का दौरा चल रहा है जी, और वो ब्लड जो है जब हार्ट पंप करता है, जिस फोर्स से पंप करता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो हमने क्या किया कि उस कफ के जरिए, उस कफ में हमने हवा भरी, हवा भरने के साथ साथ उसका प्रेशर जैसे ही हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर चला गया तो पूरी की पूरी बांह हमारी दब गई और उस आर्टरी में से ब्लड फ्लो बंद हो गया। तो डॉक्टर नागेंद्र का जो कहना है कि आवाज़ आनी बंद हो जाती है, इसका मतलब कि हम हमेशा ब्लड प्रेशर कफ का प्रेशर इतना बढ़ाते हैं जिससे कि वो हमारे सिस्टोलिक बीपी के ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाए, जब ऊपर चला जाएगा तो आवाज़ गायब हो जाएगी। अब स्टेथोस्कोप लगा करके ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर जी, और आप जब उसको धीरे धीरे, जो नॉब हमने दिखाई थी, जो वॉल दिखाया था इन्होंने, उससे धीरे धीरे उसको रिलीज करिए, जिससे कि मर्करी का कॉलम धीरे धीरे नीचे आएगा, आपकी नज़रें मर्करी कॉलम के ऊपर होनी चाहिए और आपका कान और मन का ध्यान आपका आवाज़ की तरफ होना चाहिए। जिस रीडिंग के ऊपर आवाज अपीयर होती है मर्करी की रीडिंग के ऊपर, उसको आप नोट कर लीजिए, वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और इसी प्रकार से जब आप उसको नीचे करते चले जाएंगे तो आवाज़ जो है पहले आपको बड़ी लाउड और टप 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 करके आपको आवाज़ सुननी पड़ेगी, जब एक नीचे आ जाएगी तो उसके बाद वो मफल हो जाएगी आवाज़। मफल का मतलब है उसकी आवाज़ का कैरेक्टर अचानक बदल जाएगा और वो उसके बाद वो आवाज़ गायब हो जाएगी, गायब हो जाती। तो मफलिंग की जो आवाज़ जो है वो उसको पॉइंट को नोट करिए और गायब होने की आवाज़ को के पॉइंट को नोट कीजिए, ये दोनों की रीडिंग की वैल्यू है। और ये थोड़ा सा ट्रेनिंग मांगता है जी, आँखें आपकी होनी चाहिए मर्करी के कॉलम के ऊपर, आपका ध्यान होना चाहिए अपनी उस आवाज़ के ऊपर, स्टेथोस्कोप का जो चेस्ट पीस है वो सही जगह होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपने तरीके से रखी हुई हैं तो आपको बीपी लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शायद मैं हमारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि पहले एक दूसरे पे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरे का, कि इससे पहले कि वो पेशेंट को सिखाएं या पेशेंट पे करें, आप सबसे पहले एक करिए कि जो हमें प्रोसीजर आपको सिखाया जाएगा आपके सेंटर में, एक दूसरे का ब्लड प्रेशर चेक करिए, फिर उस ब्लड प्रेशर को किसी और से चेक करिए कि आपने उसको ठीक से देखा है या नहीं, उसको नोट करिए। ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद फिर आप पेशेंट पे करिए और उनको सिखाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इवन हमें देखना पड़ता है कि जो हमारी ट्यूब्स हैं ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट की, वो मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कफ में एयर नहीं होनी चाहिए, उससे क्या होता है कि हमारी रीडिंग में कोई भी फर्क आ सकता है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी आज की टाइम में मार्केट में मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक बीपी ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं, तो पेशेंट अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीद सकता है, और उसे आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसे सिखाएं ताकि वो जब भी घर में हो उसे नोट कर सके। आशा करती हूँ कि आज आपने जो प्रोसीजर्स सीखे उसके विषय में आप अपने सेंटर में जाके उन्हें प्रैक्टिस करेंगे और पेशेंट को सिखाएंगे, और आपका कोई भी डाउट होगा तो आप अपने एकेडमिक काउंसलर से उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। मैं डॉक्टर विजय राय, डॉक्टर नागेंद्र और सिस्टर राजवंती का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से
ये सारे प्रोसीजर समझाए स्टेप वाइज और क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए और इनका क्या एडवांटेज है पेशेंट्स के लिए जानना, उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद देके और हर स्टूडेंट को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारा सेशन अटेंड किया। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं या फीडबैक हैं वो हमें ज़रूर लिख के भेजिए।